हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं दीपिका पटेल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने बेसिक इंग्लिश बूस्टर डोज के तीसरे लेक्चर के साथ में। ये सीरीज हमने शुरू की थी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए। इसके पहले इस सीरीज के दो लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से डिस्कस किया था, प्लस सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने नाउन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रोनाउन जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, हिंदी में इसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात की तो प्रोनाउन क्या होते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। जैसे मैंने बताया हिंदी में इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, द वर्ड दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, क्यों यूज करना है उनकी जगह पे, टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। बार बार किसी भी नाउन को यूज ना किया जाए इसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, आई, मी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्रोनाउन के। ओके, अगर हम टाइप्स की बात करें, अब हम बात करेंगे कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये जो सारे टाइप्स हैं ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। एक एक करके सारे प्रोनाउन को हम लोग देखेंगे, समझेंगे कौन क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे इस प्रोनाउन टॉपिक से रिलेटेड। तो साथ साथ में चलते चलिए, सीखते चलिए, एंड में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहता है पर्सनल प्रोनाउन्स आर ऑलवेज स्पेसिफिक and are often used to replace a proper noun, someone's name or a collective group of people or things. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन की जैसे हम बात करें, हमने कहा कि प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नाउन की बात करेंगे तो किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी भी वस्तु विशेष का नाम, अगर हम उसके नाम को किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो वो कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल दीपिका इज स्पीकिंग। ठीक है, दीपिका कौन, मैं। ठीक है, तो दीपिका की जगह मैं क्या बोल सकते हैं, आई एम स्पीकिंग। ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया आई से। दूसरा, राजीव इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, नाउन क्या है, राजीव। राजीव कौन, कोई लड़का। फिर हम लिख सकते हैं ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वैसे ही ऑल द स्टूडेंट्स वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे नाउन क्या है हमारे, ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है, तो हम उसको लिखेंगे दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो ये नाउन जो था उसको हमने रिप्लेस कर लिया प्रोनाउन दे के साथ में। सो व्हाट डिड वी कंक्लूड, क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन्स, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देम, ये सारे क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के नाम को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी में कुछ और एग्जांपल्स भी अपन हम देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे गिव द बुक टू अजय। ठीक है, अब अगर हम नाउन की बात करें तो इसमें नाउन क्या हो जाएगा, एक है बुक और दूसरा है अजय। ठीक है, तो क्या हो गया है, यह बुक अजय को देना है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं गिव इट टू हिम। ठीक है, अभी देखिए इसके पहले वाले स्लाइड में जब भी हम देख रहे थे तो हमने क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें गिव द बुक टू अजय, तो यहाँ पे ये जो वर्ड अजय है, अजय ये इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। वैसे ही जैसे दिस ड्रॉइंग इज मेड बाय अनीता। ठीक है, इसमें यहाँ अनीता को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हम कहेंगे इट इज मेड बाय हर, ये भी इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देन डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो द स्टूडेंट्स ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग देम।
ठीक है, इन दोनों चीजों से क्या समझ में आ रही है बच्चों? देखो, इन दोनों चीजों से ये समझ में आ रहा है, जो हम केस की बात कर रहे थे इसके पहले हम लोगों ने नाउन में बात की थी केसेस की, कारक, हिंदी में जिन्हें हम कारक कहते हैं, केस, कर्ता ने कर्म को, ये वाला जो केसेस होते हैं, द सेम केसेस इन इंग्लिश, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस की बात किए थे हम, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज टेकन एज सब्जेक्टिव केस। Whenever a noun or a pronoun is used as an object of a sentence, it is written in objective case. तो ये वही subjective and objective case की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ultimately नाम ही है जो replace हो रहा है, ठीक है। देखते हैं subjective, objective and ये तीसरा है possessive case, ये है cases, ठीक है। देखिए, अगर हम person की बात करें तो person pronoun में जो person है, first person, हिंदी में जैसे हम कहते हैं पुरुष, ये पुरुष है ना, ये है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, फिर यह है सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, और ये थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष, अदर्स। फर्स्ट पर्सन यानी कि कौन, जो स्पीकर, जो बोलने वाला है, ठीक है। स्पीकर कौन हो सकता है, आई या वी। सब्जेक्टिव केस में स्पीकर के लिए रिप्लेस होगा प्रोनाउन आई, अगर सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो वी, ठीक है। यही जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो उसको हम लिखेंगे मी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी इज अस, एंड द पोसेसिव केस इज माइन, एंड फॉर वी इट्स आवर्स, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन यानी कि जिससे बोल रहे हैं, जो सुन रहा है, लिसनर, ऑडियंस, ठीक है, सुनने वाला, तो वो क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में, यू। अच्छा, यू एक ऐसा प्रोनाउन है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों ही केस में यू ही लिखा जाता है, प्लस चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों केस में लिखा जाता है यू, ठीक है। पोजेसिव केस में इट बिकम्स योर्स। देन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष, यानी कि जो कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं है, किसी और की बात हम अगर कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, ही, शी, इट, दे। ही अगर किसी मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज हो रहा हो, शी फेमिनाइन जेंडर के लिए, इट न्यूट्रल जेंडर के लिए, दे प्लूरल फॉर्म के लिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस ही का हो जाएगा हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का हो जाएगा देम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पोजेसिव केस, ही का पोजेसिव केस हिज, शी का पोजेसिव केस हर्स, इट का पोजेसिव केस इट्स, एंड दे का पोजेसिव केस देयर्स। इस तरीके से हम लोग केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पोजेसिव केस का मतलब क्या हो रहा है, आगे समझते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन डेफिनेशन वाइज देखें तो पोजेसिव प्रोनाउन आर दोस डेजिग्नेटिंग पोजेशन और ओनरशिप, ठीक है। हम नाउन के में भी पोजेसिव केस की बात कर रहे थे, जब हम किसी नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ बता रहे थे, ठीक है। सेम नाउन का संबंध नाउन के साथ बताने वाले नाउन को अगर किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना हुआ तो वो हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव केस ऑफ नाउन को रिप्लेस करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन के साथ, ठीक है। प्रोनाउन मींस वी आर रिप्लेसिंग एनी नाउन ओवर हियर, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। दिस पर्स इज दीपिकास, यह पर्स दीपिका का है, ठीक है। दीपिका कौन, मैं, तो ये क्या हो गया, दिस पर्स इज माइन, यह पेन, सॉरी यह पर्स मेरा है। देन वी हैव बॉट अ न्यू सुइंग मशीन, हमने एक नई सिलाई मशीन खरीदी है, तो वी हैव बॉट दैट मींस दिस इज हमारा है, दैट इज दिस मशीन इज आर्स, ठीक है। वी का पोजेसिव केस आर्स। देन The book you want is Sunita's. जिस बुक को आप चाहते हैं वो सुनीता की है, दिस इज द पोजेसिव केस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द बुक यू वॉन्ट इज हर्स। तो देखा आपने किस तरीके से हम लोग पोजेसिव केस ऑफ नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये क्या होते हैं, द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है बताना, ठीक है। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है। जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करके उसके बारे में कुछ बताते हैं तब हम इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, बेसिकली हम किसी भी चीज का नाम क्यों लेते हैं, हमें उसकी पहचान बताने के लिए,
ठीक है, जब हम किसी भी चीज की पहचान बताना चाहेंगे तब हम उसका नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आंख बंद किया हुआ है और मैंने आपको बताया एक पेन के बारे में चर्चा करी कि एक पेन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, अ पेन इज अ यूजफुल थिंग, अ पेन इज अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, अ पेन इज यूज टू राइट समथिंग, टू रिकॉर्ड इन अ मतलब इन पेपर फॉर्मेट। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, अ पेन यूज करके मैं पेन के बारे में बता रही हूँ। Now, if you close your eyes and listen to my words, then also you will be able to recognize what I am talking about, right? Pen के बारे में बात कर रही हूँ, ये आपको तभी भी समझ में आ जाएगा। But when I have something, अब मैंने कह दिया, अब आप अगर आंखें बंद करें और मैंने कहा यह एक बहुत ही सुंदर चीज है, यह एक बहुत ही उपयोगी चीज है, तो आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है, what I am doing, I am pointing out to something and then I am demonstrating about the thing with you. ठीक है, जब इसका पहचान ही तो बता रहे हैं, यह बोल करके हम इसकी पहचान ही तो बता रहे हैं, right? So that purpose is fulfilled by this demonstrative pronoun. The examples of demonstrative pronouns are this, that, these and those. जब हमें पास की किसी चीज को पॉइंट आउट करके उसके बारे में बताना हुआ तब हम यूज करते हैं दिस। जब हमें किसी दूर की किसी सिंगुलर चीज को बताना हो तब हम यूज करते हैं दैट। पास में रखी प्लूरल चीज को बताने के लिए दीज एंड दूर में रखी प्लूरल चीज को बताने के लिए दोज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक। व्हेन यू पॉइंट आउट टू समथिंग एंड यू से दैट दिस इज अ बुक। व्हेन यू पॉइंट आउट टू अ फार थिंग एंड देन यू से दैट इज एन एरोप्लेन। ठीक है, देन आई नीड यू टू फिक्स दीज, देयर आर प्लूरल थिंग्स। देन those are mango trees, you are pointing out to something that is not near to you, that is far from you, and plural things. Okay, demonstrative pronoun, I hope samajh mein aa gaya hai. Let's move ahead. Distributive pronoun, again as the word suggests, distribute se bana hai distributive. Jab hum noun ke effect ko distribute kar rahe hain, theek hai, the definition says distributive pronouns are the pronouns that disperse a verb's effect on more than one individual or item at a time. They relate to multiple nouns but not as a group but rather as individuals. ठीक है, जैसे let's see some examples. Each, either, neither, these are distributive pronouns. How are they used in a sentence? Either of you can grab this moment. Okay, the event is grabbing of the moment. Moment को grab करना, grab करना मतलब पकड़ना, ठीक है, उसको अचीव करना, अचीव करना है तो हम कौन अचीव करेगा, वेयर इज द नाउन हियर, कौन अचीव करेगा? आइदर ऑफ यू, यू आर टू पर्सन्स, ठीक है, दो लोग हैं आप लोग, या तो आप अचीव कर सकते हैं या आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक देयर आर टू सिस्टर्स, ममता एंड सरिता, तो ममता कैन अचीव, कैन ग्रैब द मोमेंट, सरिता कैन ग्रैब द मोमेंट। अगर हमें बोलना है दोनों में से कोई एक, तो हम दो नाम को दो बार बोलने की जगह we can replace it with either of you, दोनों में से कोई एक, right? Either of you can grab this moment. तो इस तरह से हमने क्या किया, जो verb का effect था उसको हमने distribute कर दिया। So some other examples, each of my mates has made a call to me today. I have several mates. Each one of them, individually हमने यहाँ पे बात किया, ठीक है, each of my mates has made a call to me today, ठीक है। हम सबका नाम लेने के बजाय हमने कह दिया हर एक और प्रत्येक किसी एक सिंगल आइटम को डिनोट करता है, किसी सिंगल एंटिटी को डिनोट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली जो मैं आपको बता दूं, ईच या एवरी जब भी कभी किसी सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, बट ईच लगा है इस सब्जेक्ट के साथ में, तो जब भी कभी ईच या एवरी किसी सब्जेक्ट के साथ में लगता है तो उसके लगने से वो सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया। हमने कह दिया हर एक, बात तो हम एक ही की कर रहे हैं, तो जैसा भी ये कंडीशन होगा जब हम उनके साथ वर्ब लगाएंगे तो देखिए हमने यूज किया हुआ है हैज, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट क्योंकि हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, राइट, ओके। नेक्स्ट, आई गेव ईच अ नॉवल, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगेन ईच रिप्लेस कर रहे हैं एक ग्रुप के लिए, बहुत सारे लोग हैं, मैंने हर एक को एक एक नॉवल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन द इफेक्ट ऑफ द वर्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड।
एंड नाइदर ऑफ अस एंजॉयड व्हाट दे सजेस्टेड, दोनों में से कोई नहीं, बोलने के लिए हम नाइदर का प्रयोग कर रहे हैं। हम चाहते तो हम यहाँ पे कौन सा नाम लगा सकते थे, दो अलग अलग पर्सन का नाम लिख सकते थे, ठीक है, उसकी जगह हमने एक प्रोनाउन से रिप्लेस किया, दोनों में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, द वर्ड रेसिप्रोकल ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, द वर्ड रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, उल्टा बोलने से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इस रेसिप्रोकल वर्ड का अगर मैं मतलब बताऊं, रेसिप्रोकल वर्ड मीन्स उल्टा, ठीक है, उल्टा, दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एक्स, एक्स द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इज वन अपॉन एक्स एंड द रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स इज एक्स, सो म्यूचुअल रिलेशनशिप बन रहा है। एक्स का रेसिप्रोकल 1/x है, तो 1/x का रेसिप्रोकल एक्स भी है। So, whenever we have to talk about a mutual relationship, we use reciprocal pronouns. The definition says that reciprocal pronouns are the pronouns that are used to express a mutual relationship. Two pronouns are used as reciprocal pronouns, each other and one another. हिंदी में इसे हम जैसे एक दूसरे के लिए, तो जब भी हमें किसी को एक दूसरे के लिए बोलना होता है तब हम इन pronouns का use करते हैं। And the difference between each other and one another is, each other हमेशा use होता है जब हम दो entities के बीच की बात कर रहे हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा entities के बीच की बात करी जाएगी तब हम one another का use करेंगे। For example, the boxers punched each other, right? There are two boxers, one boxer, boxer number one punched boxer number two, and in return boxer number two also punched boxer number one. So we can say the boxers punched each other. दोनों boxers एक दूसरे को punch कर रहे थे, right? Like all the students of the class know one another. अब यहाँ हमने बात करी all the students. All the students means there are more than two students. So for more than two, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं. तो for more than two we use one another as a mutual relationship pronoun. Then The couple loved each other. अब हमने बात की couple. Couple means two. तो two की बात हुई, इसीलिए हमने कह दिया each other. Then it's important that we treat one another with respect. ठीक है? अब यहाँ पे हमने कह दिया we and that means more than two की बात हो रही है. ठीक है? तो more than two के लिए हमने use किया one another. Right? Okay. Let's move on. Reflexive pronoun. Reflexive का मतलब the word reflection itself says, ये जो reflection है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझिए sentence का अगर structure, reflexive pronoun क्या होते हैं, कैसे use करते हैं, उसके पहले मैं थोड़ा सा basic concept आपको बता दूं। एक जो sentence होता है उसके structure को हम define कैसे करते हैं, there is a subject, then there is a verb, then there is an object. Subject and verb and object. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब हम कहते हैं जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, दैट इज द वर्ब, राइट। द वर्ब जो एक्शन है, अगर वो कोई ना कोई उसको करने वाला होगा, द डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं हिंदी में, जो काम को करता है, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज ए सब्जेक्ट। कोई काम हुआ, किसी ने उसे किया, सब्जेक्ट हैज डन द एक्शन, ठीक है, एक्शन किसके द्वारा हुआ, सब्जेक्ट के द्वारा, तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी पे दिखेगा, द इफेक्ट, तो द इफेक्ट इज रिसीव्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे ये रिसीवर है, ये डूअर है, ये रिसीवर है, इसे हम कह देते हैं कर्म, द वन दैट रिसीव्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया, उसका इफेक्ट किसको पड़ेगा, रिसीवर पे। तो जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट पे जाकर एंड होता है, ठीक है, ठीक। रिफ्लेक्शन, वर्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से बना है रिफ्लेक्सिव, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन मीन्स दिस अ फेनोमेना
wherein light strikes any opaque surface and when it cannot pass through it, it bounces back in the same medium. And this phenomena is called as reflection. This is a medium or this is a surface from where light cannot pass through, opaque surface se. तो इसी ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन फिजिक्स की लैंग्वेज में. सेम मीनिंग के साथ में यहाँ पर भी हो ये रहा है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और उसका रिजल्ट हमें ऑब्जेक्ट पर दिख रहा है. लेकिन कैसे ऐसे कंडीशन हो जब रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब एक्शन यहाँ से यहाँ तक जाए और ये वापस आ जाए सब्जेक्ट के पास, वापस सब्जेक्ट के पास आ जाए. कहने का सिंपल मतलब ये है कि सब्जेक्ट के किए हुए एक्शन का इफेक्ट खुद सब्जेक्ट पर जब पड़ने लग जाए. ठीक है, रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट ने कोई काम किया उसका इफेक्ट सब्जेक्ट खुद ही रिसीव कर रहा है. उस कंडीशन में जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स. राइट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ठीक है. See, the definition says when the subject and object of a phrase are the same, reflexive pronouns are employed. They are terms that end in self or selves. These can function as direct or indirect object. ठीक है, यही चीज है जितने भी self वाले word होते हैं. For example, myself, himself, herself, themselves. ये सारे ही आपके reflexive pronoun हैं. And how do we use them in a sentence? Like, I enjoyed myself while cooking pizza last night. See here. अब हम यहाँ पे अगर हम subject object की बात करें, so काम क्या हो रहा है? Enjoy होने का. This is the verb. कर कौन रहा है? कौन enjoy कर रहा है? Who is performing this action? This I. I is the subject. मैंने enjoy करने का काम किया. मैंने किसको enjoy किया? मैंने खुद को enjoy कर लिया. ठीक है. So this is the object. But you can see that the subject and object are the same. ठीक है, मैं कोई काम कर रही थी. I was cooking pizza last night and during the process I got injured. I did the action. I injured myself. करने वाली भी मैं, receive करने वाली भी मैं. तो इस condition में हमने क्या use किया? Reflexive pronoun myself. Right? तो आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम reflexive pronoun को sentences में use करते हैं. Let's see some more examples. I hope you enjoy yourselves at the concert tonight. ठीक है, you enjoy yourselves. My smartphone isn't functioning properly. It turns itself off for no explicable cause. It turns itself. ठीक है, it turns itself off. Turn off हो जाता है अपने आप. I am not doing or nobody is performing any action. It is getting turned off by itself. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. वी शुड हैव मोर फेथ इन आवरसेल्फ. वी शुड फेथ इन आवरसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट इनडेफिनेट प्रोनाउन्स. अगेन द नेम सजेस्ट इनडेफिनेट. इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित. ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हर जगह पे नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से. यही प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम नाउन की बात करें तो जब कोई नाउन निश्चित है जिसके बारे में हमें पता है तब तो हम पर्सनल प्रोनाउन लगा करके डिनोट कर लेंगे और बता देंगे. लेकिन जब हमें निश्चित रूप से नहीं पता है तब हम क्या करेंगे? ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट. द डेफिनेशन सेज An indefinite pronoun is one that does not specify to whom or what it refers to. किसके बारे में बात कर रहा है ये specify नहीं करता. ठीक है, let's learn some examples. जैसे देखिए, for examples आपकी कार. ठीक है, आपकी कार आपने घर के बाहर पार्क करके रखी हुई है. ठीक है, सडनली चोरी हो गई. ठीक है, आपको पता है चोर कौन है. ठीक है, आपने कैमरा लगा रखा है, आप कैमरा में सर्च की, आपको पता चल गया किसने चोरी करी, आपने उसका हाथ पकड़े लेके गए पुलिस स्टेशन के पास और आपने क्या बोला पुलिस को, क्या कंप्लेन करी कि सर माय कार इज स्टोलन, ही हैज स्टोलन इट. मेरी कार चोरी हो गई है और इसने उसको चोरी किया है. आप किसी इंसान को लेके जाओगे, दिस इज द पर्सन, देन यू आर श्योर इनफ हु हैज डन इट. व्हेन यू आर श्योर तब आपने बोला ही हैज डन इट, आपने उसको पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस किया. बट जब आपको ये ना पता चले, ठीक है कार चोरी तो हुई लेकिन किसने चोरी की यू डोंट नो,
तब आप पुलिस के पास तो जाएंगे ही, ठीक है, कंप्लेन लिखाएंगे ही, लेकिन उस वक्त क्या बोलेंगे, माय कार हैज बीन स्टोलन, समवन हैज स्टोलन इट, किसी ने चोरी कर ली। अब ये जो किसी ने आपने कहा, किसी ने आपने तब यूज किया क्योंकि आपको उसका नाम नहीं पता था, when you were not sure, when you were not defined, ठीक है, आप definite तौर पे नहीं बता सकते थे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो उस वक्त पे आप indefinite pronoun का use करते हैं। So how to use this? ठीक है, some examples of anybody, anyone, anything, anybody, you refer to anyone when you are not sure about it. So we use such kind of pronouns. Let's see some examples. Someone gifted me this novel. किसी ने मुझे गिफ्ट किया, किसने गिफ्ट किया मुझे भी याद नहीं, आई कैन नॉट से श्योरली हु हैज गिफ्टेड मी, तो हमने यूज किया समवन व्हेन नाउन इज नॉट क्लियर। ठीक है, अगर हमें इसको नाउन से रिप्लेस करना होता तो किसी ने किसी का नाम आता, नाउन आता, ठीक है। तो नेक्स्ट, आई वोंट डिस्क्लोज योर सीक्रेट टू एनी वन, वेदर इट बी एनी वन एक्स वाई जी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे अगर मैंने इसमें नाउन यूज करना हुआ तो हम यहाँ पे एक नाम को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इट इज बीन रिप्लेस्ड इज अ प्रोनाउन। आई परचेज एवरीथिंग एट द स्टोर, इंडिविजुअली एक एक का नाम लेने के बजाय हमने कह दिया एवरीथिंग, ठीक है। नाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एज द वर्ड सजेस्ट, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेशन से बना हुआ है, क्वेश्चन, the pronouns that are used to ask some question, the definition says the interrogative pronouns are the pronouns that are used to ask questions, questions पूछने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं noun ही है जो replace होगा, just mark it, for example what, which, who, whom, whose, these are the examples of interrogative pronouns and how do we use them in sentence like this, who का use हम करते हैं जब हमें किसी person के बारे में पूछना हो जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्वेश्चन करना हो किसी पर्सन के बारे में जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, लाइक हु टुक द बुक, अगर मैं इसे आंसर करना चाहूं हु टुक द बुक, तो मैं कह सकती हूं फॉर एग्जांपल वंदना टुक द बुक, अ गर्ल नेम्ड वंदना टुक द बुक, तो यहाँ पे हु जो क्वेश्चन था इसके आंसर में क्या आया, एक नाउन आया और उस नाउन को ये वाला क्वेश्चन रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, जो कि एक पर्सन है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, ठीक है। लाइक होम, होम इज यूज टू रेफर टू एनी पर्सन दैट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, होम इज ही, ओके, होम इज ही टॉकिंग टू, ठीक है, वह किससे बात कर, तो इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो क्या बोल देंगे, ही इज टॉकिंग टू सरिता, ठीक है, वो सरिता से बात कर रहा है, तो दिस बिकम्स दैट सरिता इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ऑब्जेक्ट को जब हमने रेफर किया, एक पर्सन को रेफर किया, तब हमने यूज किया हूज, then whose, whose का use करते हैं जब हम किसी person को बताना चाहें जो कि possessive case में हो, whose car is this, ठीक है, यह किसकी कार है, when we ask like this the answer to this question would be ये किसकी कार है, तो यहाँ पे हम किसी का नाम ले देंगे, ठीक है, यह कह देंगे हम यह पूनम की कार है, this is पूनम's car, तो यहाँ पे possessive case of noun is replaced by a question, so we use whose over here. Then what is used to refer to something, what do you want for lunch, then which, which is used to refer to a person or a thing that wherever we have a choice, we have to choose between some objects or some options, then we use which, which of them is the tallest, there are several options and we have to select one out of them, to us condition mein hum use karte hain which, which color do you prefer, ab iska answer kya hoga, answer mein koi noun aayega, मेकअप मार्क, आंसर में कोई ना कोई नाउन आना चाहिए क्योंकि नाउन ही है जिसे हम रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से, राइट, सो दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स। देन रिलेटिव प्रोनाउन्स, एज द नेम सजेस्ट, रिलेटिव प्रोनाउन शोज अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स एंड प्रोनाउन्स, ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताने के लिए हम इन प्रोनाउन का यूज करते हैं। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये जो प्रोनाउन्स होते हैं ये किसी भी सेंटेंस में एक कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, जिस प्रकार से कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को, दो सब्जेक्ट्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है, वैसे ही ये रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये न केवल ज्वाइन करते हैं बल्कि उसके बारे में कुछ आपको बताते हैं, रिलेट करवाते हैं,
The definition says that a relative pronoun is used to introduce a relative clause, a phrase that usually supplies more information about the preceding noun. जो इसके पहले noun use हुआ उसके बारे में additional information देने के लिए use होता है. Examples देखें अगर, what, which, who, whom, that, whose, यही सारे relative pronoun भी होते हैं. Difference आपको समझने की जरूरत है. इसके पहले जब हमने interrogative pronoun लिया तो हमने उसके केवल और केवल नाम को रिप्लेस किया. हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं कैसे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई नीड टू फाइंड अ रूममेट हु डजंट स्मोक. ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा. द फर्स्ट वन इज आई नीड टू फाइंड अ रूममेट. द पर्सन शुड नॉट स्मोक. ठीक है, दो लोग दो है. अ पर्सन हु शुड नॉट स्मोक. ठीक है, पर्सन जो स्मोक ना करता हो. मुझे एक रूममेट की जरूरत है. देयर आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स. अब हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं. आई नीड टू फाइंड अ रूममेट हु डज नॉट स्मोक, जो स्मोक नहीं करता हो. तो इस तरीके से हमने रूममेट को रिलेट किया अ पर्सन हु डज नॉट स्मोक के साथ. राइट, नेक्स्ट. द एम्प्लॉय हेल्प द कस्टमर हुम द मैनेजर ब्रॉट ओवर. यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है. द एम्प्लॉय हेल्प अ कस्टमर. एम्प्लॉय ने कस्टमर की मदद की. जो कस्टमर है उसे मैनेजर लेके आए थे. द कस्टमर वॉज ब्रॉट ओवर बाय द मैनेजर. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, हम एक रेफर कर रहे हैं किसको, द कस्टमर को. और ये जो कस्टमर है ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, रिलेट करने के लिए जिस भी हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन हु. सिमिलरली शी गेव अ राइड टू अ टूरिस्ट हुज फैमिली वॉज फ्रॉम स्वीडन. Two sentences. She gave a ride to a tourist. The tourist has a the tourist family. Tourist की जो family है वो Sweden से है. तो tourist की family हम relate कर रहे हैं tourist को उसकी family से. Possession, possessive case. We are using whose. Then the computer which I bought yesterday is on top of my desk. The computer which I bought yesterday. I bought a computer yesterday. There's a one statement. I bought a computer yesterday. The computer is placed on the top of my desk. दो statements हैं. हमने दोनों को relate किया. वही computer जिसे कल हमने खरीदा था वो मेरे desk के ऊपर रखा है. Right? Then, the uniform that had been worn by Napoleon was on display in the museum. अब हम यहाँ पे relate कर रहे हैं uniform को जो नेपोलियन ने पहना था. वो यूनिफॉर्म जो नेपोलियन ने पहना था डिस्प्ले में, म्यूजियम के डिस्प्ले में रखा गया है. अगेन वी आर रिलेटिंग टू थिंग्स. ठीक है, अ यूनिफॉर्म इज प्लेस्ड इन द म्यूजियम एंड अ यूनिफॉर्म वाज वोन बाय नेपोलियन. द सेम, बोथ आर द सेम. तो जब सेम चीज को रिलेट कर रहे हैं देन वी आर यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन दैट. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. किस को कब यूज कर रहे हैं, इनके यूजेज पे भी हम लोगों ने बात कर ली है, इनके टाइप्स पे भी हमने बात कर ली है, एग्जांपल्स पे भी हम लोगों ने काफी चर्चा कर लिए हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज. नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व दी एक्सरसाइजेस. जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको हम कैसे इम्प्लाई कर रहे हैं. ओके, द क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस. He gave dash a rupee and I thanked dash for dash. अब यहाँ पे देखिए, he gave dash a rupee. अब यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आने का होगा क्योंकि he is subject, gave is verb. There must be an object over here. और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका antecedent क्या है. Antecedent मतलब किसको रेफर कर रहा है एंड I को रेफर कर रहा है. तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सन प्रोनाउन. He gave me a rupee and I thanked. उसने मुझे रुपया दिया तो मैं तो थैंक यू बोलूंगी ना. तो मैं किसको थैंक यू बोलूंगी, मैं तो उसे ही थैंक यू बोलूंगी. अगेन दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब. दिस अगेन बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज. तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव केस, आई थैंक्ड हिम फॉर व्हाट, फॉर इट. ही गेव मी अ रुपी एंड आई थैंक्ड हिम फॉर इट. ठीक है, कैसे हम पढ़ रहे हैं, कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं समझते चलिए. हर ब्रदर एंड डैश वेंट टू द स्टेशन. ठीक है, हर ब्रदर एंड, अब यहां पर कोई भी प्रोनाउन आ सकता है, इट कैन, बट इट हैज टू बी अ पर्सनल प्रोनाउन. अब यहां पे हमने हर ब्रदर की बात की.
अब यहाँ पे हम जो भी वर्क करेंगे ये दोनों मिलाकर के इस नए सेंटेंस का, इस जो सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं. सो देयर हैज टू बी अ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हियर. सो व्हाट वी कैन राइट, हर ब्रदर एंड वी कैन राइट आई. ठीक है, हर ब्रदर एंड वी कैन राइट शी ऑल्सो हियर. ठीक है, वी कैन राइट शी ऑल्सो हियर, वी कैन राइट. ठीक है, हर ब्रदर एंड शी वेंट टू द स्टेशन. वो उसकी उसका भाई और वो खुद. वी कैन राइट आई ऑल्सो, उसका भाई और मैं. ठीक है, बट इन एनी केस इट हैज टू बी अ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. राइट, द दिस पेन इज ब्रोकन. नाउ दिस प्रोनाउन डैश इज ऑफ नो यूज, इट इज रेफरिंग टू दिस पेन. दिस पेन इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज इट. इट इज ऑफ नो यूज. You are as good a batsman as. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, you are as good a batsman as dash. अब यहाँ पे भी कोई प्रोनाउन आना है, राइट. अब देखिए, हम बात कर रहे हैं you, आपकी कंपैरिजन हो रही है as good a batsman कि आप कैसे हैं, कंपैरिजन हो रही है. जब भी हम दो चीजों के बीच में कंपेयर करेंगे तो दोनों के दोनों एक जैसे होने चाहिए. तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में लिखा गया है. तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा. आई बात समझ. तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रोनाउन यूज करना है, जो यूज करना है वो एक सब्जेक्टिव केस का होना है. डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शंस. यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो यू कैन यूज एनीथिंग. राइट, यू आर एज गुड एज बैट्समैन एज आई यूज कर सकते हैं. आप मेरे जैसे अच्छे हैं. आप कह सकते हैं एज ही, as good a batsman as he is. ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोनाउन यूज करें लेकिन वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए. नाउ व्हेन द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन डैश सॉ अ स्नेक क्रीपिंग टुवर्ड्स डैश. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द गर्ल्स की बात हो रही है, नॉट वन सिंगल वन, देर आर मोर देन वन गर्ल. प्लूरल फॉर्म में है, गर्ल्स गार्डन में गई. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी प्रोनाउन है, एक सबसे पहली चीज तो ये एंटीसिडेंट द गर्ल्स है, गर्ल्स को रिफर कर रहा होगा. राइट, दूसरा चीज ये अब सेंटेंस, ये देखो ये एक फ्रेज बन गया, ये दूसरा क्लॉज है. दूसरा यहाँ पे है डैश सॉ अ स्नेक क्रीपिंग टुवर्ड्स देम. सॉ ये वाला जो है ये आपका क्या है, ये वर्ब है, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा. दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एंड ऑल्सो अ प्लूरल वन. सो यहाँ पे आ जाएगा दे. They saw a snake creeping towards. Towards, this is a preposition. And after preposition, always pronoun takes its objective form. तो यहाँ पे आ जाएगा them. ठीक है, ठीक. Pronoun के बाद जब भी कभी कोई preposition के बाद जब भी कोई pronoun use होता है तो it is always used in objective case. ठीक है, then if I were dash, I wouldn't help her. ठीक है, If I were dash, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि मैं वो होती तो मैं उसकी जगह होती, यदि मैं उसकी जगह होती तो उसकी जगह. अब यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड आई है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट. सो जो उसकी जगह आएगा वो भी तो सब्जेक्ट ही होगा. तो अगेन यू हैव टू यूज अ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हियर. तो इफ आई वर, आप चाहे तो ही लिखिए, इफ चाहे तो शी लिखिए, आप चाहे तो यू लिखिए. Any case, any pronoun, but a subjective case of pronoun, right? If I were he, यदि मैं वो होती तो मैं help नहीं करती. यदि मैं एक लड़का होती, जिस किसी लड़के की जगह बोलते, यदि मैं उस लड़की की जगह होती तो भी मैं उसे help नहीं करती. यदि मैं आपकी जगह होती तब भी मैं help नहीं करती. तो in any case you can write any pronoun, but it has to be a subjective case of pronoun, right? Next, the two sisters loved Dash very dearly. अब यहाँ पर यूज करना है प्रोनाउन. अब देखिए यहाँ पे टू सिस्टर्स की बात कर रहे हैं और एक एक्शन की बात कर रहे हैं, और ये कैसा एक्शन दिख रहा है, एक म्यूचुअल एक्शन दिख रहा है. सो वी हैव टू यूज म्यूचुअल रिलेशनशिप प्रोनाउन, दैट इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. सो फॉर टू वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर. राइट, द टू सिस्टर्स लव ईच अदर वेरी डियरली. दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट. अब यहाँ पे देखिए दे, they is the subject, यानी कि वे बहुत सारे लोग हैं. they all gave evidence, evidence देने का काम हो रहा है. more than one person, more than two person are performing one action. तो again a mutual relationship, mutual action होगा,
म्यूचुअल रिलेशनशिप इज शोन बाय रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड फॉर मोर देन टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनादर इज यूज्ड। सो देखा आपने किस तरीके से हम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, आंसर्स पे पहुंच रहे हैं। द कपल स्पोक टू, अब देखो यहाँ पे कपल की बात हो गई, दैट मीन्स टू ईच अदर। डैश शुड टेक केयर ऑफ वन्स हाउस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, इसका एंटीसिडेंट ये होगा, इसका एंटीसिडेंट ये है कि यहाँ पे जो भी प्रोनाउन आएगा उसके लिए ये यूज हुआ है। सो द प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसिडेंट बोथ शुड बी सेम। तो यहाँ पे वन्स हाउस है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्टिव केस ऑफ वन्स, दैट इज वन। वन शुड टेक केयर ऑफ वन्स हाउस, this is the subject, subjective case, this is possessive case of the same pronoun, so both the pronoun should be same. This is the beggar dash stole my suitcase. अब यहाँ पे देखो दो sentences दिख रहे हैं, this is a beggar, ये एक भिखारी है, he stole my suitcase. अब यहाँ पे हमने इन दोनों जगह पे एक ही चीज को relate कर रहे हैं, so we need to use relative pronoun over here. So this is the beggar who stole my suitcase. ठीक है, then God helps those dash help themselves. Again, God helps someone, someone who helps themselves. तो ये एक वैसे भी proverb ही है, relative pronoun who use होगा, God helps those who help themselves. ठीक है, तो आई होप आपको इतने समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम केसेस और प्रोनाउन को डिसाइड कर रहे हैं और किस जगह पे कौन सा प्रोनाउन लगना है ये डिसाइड कर रहे हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, कुछ और एक्सरसाइजेस हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सी करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर सम स्टेटमेंट एरर करेक्शन क्वेश्चंस, एरर करेक्शन क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि आप सेंटेंसेस में कैसे हम पहचानेंगे। सी ही प्रेजेंटेड हिम बिफोर द जज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, इस सेंटेंस में प्रेजेंट करने का काम हो रहा है, दिस इज दी वर्ब, कौन कर रहा है, हु इज प्रेजेंटिंग, ही इज प्रेजेंटिंग, ये काम कर रहा है, दिस इज द सब्जेक्ट, किसको प्रेजेंट कर रहा है, खुद को, सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन एंड रिसीविंग द एक्शन एट द सेम टाइम, सो इट इज द रिसीवर ऑल्सो। तो यहाँ पे हिम की जगह पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द जज। ठीक है, राइट, then your father does not like you going to the cinema every day. ठीक है, your father आपके पिताजी नहीं पसंद करते, does not like you, you, you is the subjective case of pronoun here, subject यानी कि the person itself. तो आपके पापा आपको पसंद नहीं करते या आपका जाना पसंद नहीं करते, समझ में आ रहा है, आपके पापा आपको पसंद नहीं करते ऐसा थोड़ी लिखा है, आपका आपके पिता आपके सॉरी आपका जाना सिनेमा जाना रोज रोज सिनेमा जाना आपके पापा को पसंद नहीं है, आप पसंद नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे, ना इट इज नॉट अबाउट द सब्जेक्ट, इट्स नॉट यू, इट्स योर गोइंग, आप नहीं आपकी हरकतें, राइट, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है, योर फादर डज नॉट लाइक योर गोइंग टू सिनेमा एवरी डे, आपका जाना उन्हें पसंद नहीं, राइट। The educational institutions of Patna are more expensive than that of Darbhanga. The educational institutions of Patna. यहाँ पे दो के बीच comparison हो रही है, Patna के educational institutions की और Darbhanga के educational institutions की. Then that of, ये जो that of है ये एक relative pronoun है जो relate कर रहा है इसको educational institutions को, कहाँ के, Patna के educational institutions की कंपैरिजन हो रही है दरभंगा के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि पटना की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो दरभंगा से ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। सो ईच ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस इज करेक्ट, सो द सेंटेंस डज नॉट हैज एनी, ओके, देन ही वाज वेल्दियर देन नाइदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स। ठीक है, हम ये कह रहे हैं ही वॉज वेल्दियर, वो ज्यादा अमीर था, किसी से, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों में से किसी की भी नहीं, नहीं दोनों में से, सो वी हैव टू यूज आइदर ओवर हियर, दोनों में से एक बताने के लिए हम आइदर का यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं बताने के लिए हम नाइदर का यूज करते हैं।
दे ऑल अग्रीड विथ ईच अदर. अब यहाँ पे लिखा हुआ है दे ऑल, ये बता रहा है मोर देन टू, तो ईच अदर ना होकर के वन अनादर. We congratulated themselves on our escape. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे verb है congratulated. कौन कर रहा है? We. हमने congratulate किया किसको? उनको. किसके लिए? Our escape. हमारे भाग जाने के लिए हम किसी और को क्यों congratulate करेंगे? ठीक है, We should congratulate ourselves. We congratulate ourselves. On our escape, हमने अपने आप को अपने भागने के लिए बधाई दी. Mr. Jha and myself were present there. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए myself लिखा हुआ है. This is a reflexive case of pronoun. इतने reflexive pronoun जैसे हमने बताया था कि sentence में object का काम कर रहे होते हैं. ठीक है, जब subject और object same होते हैं तब हम लोग myself का use करते हैं object की जगह पे. लेकिन इस sentence की अगर हम बात करें तो Mr. Jha and यहाँ पे जो भी है डैश वर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे एक ये जो दोनों मिलाकर के सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो इट हैज टू बी इन सब्जेक्टिव केस. तो माइसेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई. मिस्टर झा एंड आई वर प्रेजेंट देयर, राइट? ओके. नो वन शुड अप्रेस देयर नेबर्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाउन है या सब्जेक्ट है नो वन, सब्जेक्ट है नो वन और उसका एंटीसिडेंट है देयर. नो वन का मतलब क्या हुआ? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं मतलब जीरो, जीरो ना, कोई भी नहीं. तो कोई भी नहीं फिर कैसा हुआ? सिंगुलर हुआ. तो जब ये सिंगुलर तो उसके लिए यूज होने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होना चाहिए, जबकि देयर का यूज करते हैं हम प्लूरल प्रोनाउन्स को बताने के लिए या प्लूरल सब्जेक्ट्स को बताने के लिए. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नो वन शुड अप्रेस हिज नेबर्स, राइट? The crew mutinied and murdered his officers. ठीक है, क्रू ने म्यूटनी की और मर्डर कर दिए किसको? उनके ऑफिसर को. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात आ रही है क्रू की. ये है नाउन जिसको जो एक जिसका ये इसका एंटीसिडेंट ये है क्रू का ऑफिसर. क्रू के जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनको मार दिया गया. क्रू के ऑफिसर्स. अब यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड क्रू है, क्रू क्रू है, क्रू एक कलेक्टिव नाउन है. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने देखा था कि जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स आर टेकन एज सिंगल एंटिटी, सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं. ठीक है, और दूसरा चीज न्यूट्रल जेंडर में ट्रीट किए जाते हैं. ठीक है, तो न्यूट्रल जेंडर के लिए यहाँ पे यूज हो जाएगा मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स. पूरा का पूरा क्रू एज अ कलेक्टिव नाउन होल की बात कर रहे हैं हम, राइट? देन Listen carefully to what I say. Okay. Listen carefully to who नहीं होना चाहिए, क्योंकि who is used for persons. To what I say, what is used for things. तो जो भी मैं बोल रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए. Listen carefully to what I say. The director of NMDC has given its consent to join the meeting. तो यहाँ पे डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, एनएमडीसी के डायरेक्टर. जाहिर सी बात है कोई ना कोई व्यक्ति होंगे. ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति होंगे. अब यहाँ पे हमको जेंडर तो क्लैरिफाइड नहीं है, इट कैन बी अ फीमेल ऑल्सो, बट फॉर जनरल कंसेप्ट द डायरेक्टर इट्स अ कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर की बात हो रही है. लेकिन जो भी होगा वो ह्यूमन होगा, इसलिए हम यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर को प्रेफरेंस देंगे. The director of NMDC has given his consent to join the meeting. ठीक है? This is one of the best suggestions that have ever been made by you. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर क्या है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हमारे पास प्रोनाउन है दिस. दिस हम सिंगुलर चीज को बताने के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस. ये उन बहुत सारे बेस्ट सजेशंस में से एक है. तो बहुतों में से एक की बात की जा रही है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. सो फॉर सब्जेक्ट सिंगुलर वी शुड यूज अ सिंगुलर वर्ब दैट हैज एवर बीन मेड बाय यू. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस में हम एरर्स को पहचानेंगे, सेंटेंसेस में एंटीसिडेंट्स को पहचानेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आई होप ये पूरा लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा.
ठीक है, प्रोनाउन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। अगले सेशन में हम मिलेंगे एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मिलूंगी आपसे हर मंगलवार दोपहर 3 बजे, ठीक है? तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। आगे और भी क्वेश्चंस जो आपके हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस इफ पॉसिबल इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ एंड इफ नॉट इन द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।